तो दोस्तों, जैसे लोगों को मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और उनके सपने सच हो रहे हैं, यानी कि अब उन लोग को फाइनली नो वे होम में टॉबी और एंड्रू दिखाई दे दिया है, उसी तरह दोस्तों ऑडियंस का ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर नो वे होम इतनी अच्छी गई है, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इतनी अच्छी आएगी, तो आगे जाके एवेंजर 5 मूवी कैसी होगी। हालांकि एक बात तो क्लियर है कि अब जितनी भी मार्वल की बड़ी मूवी आ रही है उसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन यहाँ पे एवेंजर 5 में क्वेश्चन आएगा कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी, उसमें विलन्स कौन होंगे, तो आज हम लोग वही सब समझेंगे। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि एवेंजर 5 मूवी में आप कौन से सुपर हीरो का केमियो देखना चाहते हैं जो कि अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बिलोंग न करता हो। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, अगर हम लोग बात करें द इन्फिनिटी सागा की, तो इसकी भी कहानी को बनते हुए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का टाइम लगा था। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो मेन चीज था वो इन्फिनिटी स्टोन था, जैसे कि हम लोग को दिखाई दिया था यहाँ पे स्पेस स्टोन कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में, उसके बाद माइंड स्टोन जो कि था लोकी के पास, जो कि हम लोग को दिखाई दिया था एवेंजर मूवी में, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को दिखाई दिया था रियलिटी स्टोन और डार्क वर्ल्ड मूवी में, उसके बाद पावर स्टोन जो कि हम लोग को दिखाई दिया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में, उसके बाद टाइम स्टोन जो कि था डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सोल स्टोन को अभी भी रिवील नहीं किया गया था, यानी कि वो सीधे हम लोग को दिखाई दिया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। लेकिन यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आएगा कि मल्टीवर्स में आखिरकार ऐसी कौन सी चीज होगी या कौन सी कहानी होगी जिसके ऊपर ये मूवी बनेगी। अब दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है जो मेन थीम हो वो हो मल्टीवर्स पे राज करना। अब जैसे कि अगर लोग बात करें स्टोरी लाइन की, तो ये सीधे आ सकती है एवेंजर सीक्रेट वॉर की कॉमिक्स से, जहाँ पे एक बैटल अरीना क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें उस कॉमिक के मेन विलन की, तो वो थे डॉक्टर डूम। लेकिन यहाँ पे स्टोरी चेंज हो सकती है जैसे कि हुआ था इन्फिनिटी सागा में, यानी कि उस समय जो कॉमिक के अगर हम लोग बात करें तो सोल स्टोन एडम वॉरलॉक के पास था। लेकिन अगर हम लोग बात करें मूवी की, तो उसकी लोकेशन थी वॉरमीर पे। उसी तरह दोस्तों, मे बी एवेंजर सीक्रेट वॉर में डॉक्टर डूम विलन ना हो बल्कि कोई और हो, और उससे मेरा मतलब है कैंग द कॉन्करर। हालांकि यहाँ पे हम लोग को कैंग द कॉन्करर लोकी की टीवी सीरीज में नहीं दिखा दिया, बल्कि उसका वेरियंट ही रिमेज दिखा दिया है। लेकिन एंड में हम लोग को पता चल गया कि कौन आने वाला है, उसके लिए हम लोग को सीजन 2 तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले ही आ जाएगी एंटमैन क्वांटम मेनिया, जहाँ पे हम लोग को 2 विलन दिखाई देंगे, पहला तो कैंग है और दूसरा मोडॉक। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या कैंग ही एक ऐसा विलन होगा तो हम लोग को आगे जाके एवेंजर 5 में दिखाई देगा, या फिर उसके साथ कुछ और लोग होंगे, यानी कि विलन्स की भी एक अलग टीम होगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की तरह सिंगल यूनिवर्स पे बेस नहीं है। हालांकि उस मूवी में टाइम ट्रेवल दिखाया गया, अलग अलग टाइमलाइन दिखाई गई हम लोग को, लेकिन फिर भी दोस्तों अलग यूनिवर्स की बात कुछ और होती है, वहां पे ऑडियंस को और डिटेल में समझाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगला सवाल ये आएगा, ये मूवी कितने पार्ट में बनेगी, क्या ये एवेंजर्स एंड गेम की तरह होगी, यानी कि उसका पहला पार्ट जो था वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर था। तो मे भी दोस्तों ऐसा हो सकता है, अगर यहाँ पे आप लोग 2 पार्ट की मूवी निकाले और हर पार्ट की जो टाइम ड्यूरेशन है उसे 3 घंटे का कर दे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मूवी 6 घंटे की हो जाती है। और इसीलिए दोस्तों इस मूवी को 2 पार्ट में दिखाना काफी जरूरी हो जाता है, जिससे ऑडियंस को ठीक से पता चले इसमें कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं और उन पे हम लोग को अच्छे से डिटेलिंग देखने को मिले। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज और, क्या ये मूवी भी 10 ईयर्स का टाइम गैप लेगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी इतना लंबा समय लगेगा, तो दोस्तों मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि जितनी तेजी से यहाँ पे मूवीज हम लोग को देखने को मिलने वाली है, उसके बाद टीवी सीरीज भी आ रही है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि आगे जाके एवेंजर सीक्रेट वॉर में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में लगा था। यानी दोस्तों हम लोग को और आगे तक वेट नहीं करना पड़ेगा, काफी जल्दी यह सब होगा। लेकिन उससे पहले एक मूवी आके रहेगी जो कि है फैंटास्टिक 4, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 की आखिरी मूवी भी हम लोग कह सकते हैं। अब इन सब के अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें म्यूटेंट्स की, उनके कॉन्सेप्ट की, तो ऑलरेडी हम लोग को समझ में आ जाएगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। लेकिन यहाँ पे ऑल टुगेदर कुछ फैंस का ये भी क्वेश्चन है, क्या पुराने सुपर हीरो रहेंगे, खासकर थॉर, क्योंकि वो अभी भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि जिंदा है और अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में है, उसकी पार्ट 4 मूवी आने वाली है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे काफी फैंस है जो ये बात को सोच के काफी डर भी रहे थे, क्या यहाँ पे थॉर 4 लव एंड थंडर क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर की आखिरी मूवी होगी, यानी कि जो अपना मेंटल है वो जेन फॉस्टर को दे देगा। भले जेन फॉस्टर अगली थॉर बन जाती है, लेकिन जितने भी ऑडियंस है वो अपने क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर की फैन रहेगी। तो मेरे हिसाब से अगर थॉर 4 के बाद उन्हें मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे, और वैसे भी वो एक्टर ने खुद ही रिवील किया है कि वो थॉर काफी लंबे समय तक प्ले करना चाहते हैं, यानी कि वो हम लोग को एवेंजर 5 मूवी में भी दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या हम लोग को आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के वेरिएंट दिखाई देंगे, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, वो लोग तो आके रहेंगे।
लेकिन डिपेंड करता है इनके एक्टर्स कौन प्ले करेंगे। अब भले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वेरिएंट की, तो आप लोग ने नो वे होम में देखा होगा, अगर दो स्पाइडरमैन आते हैं अलग यूनिवर्स से, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं उनकी शक्ल सेम हो, उनकी एज भी सेम हो, यानी कि वो चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आयरन मैन का हम लोग को कौन सा वेरिएंट देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो कहा ये जा रहा है कि क्रिस इवेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोबारा से बन सकता है मार्वल स्टूडियोज के साथ, वो भी एक नहीं दो मूवी में। पहली मूवी की अगर हम लोग बात करें जो कि है कैप्टन अमेरिका 4, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनका हम लोग को इवन वेरिएंट देखने को मिल सकता है, और दूसरी जो कि होगी एवेंजर्स 5, जहाँ पे उनका वाकई में एक अच्छा वेरिएंट सामने आएगा। और यहाँ पे ऑडियंस अभी भी डाउट में है एक कैरेक्टर को लेकर कि भाई उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, जो कि है हमारे हल्क। हालांकि वो हम लोग को दिखाई देंगे प्रोफेसर हल्क के रूप में शी हल्क की टीवी सीरीज में, जिसका टीजर आप लोग ने पहले देख लिया है, लेकिन हो सकता है आगे जाके वो वाकई में वैसे हल्क बन जाए जैसा कि ऑडियंस देखना चाहती है। यानी कि दोस्तों जो ताकत हल्क दिखा सकता है अभी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, उस ताकत के लेवल तक वो अभी पहुंचा नहीं है। यानी कि वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे अभी उतना करने नहीं दिया जा रहा है। यानी कि उसको वो मौका कब मिलेगा, और क्या आगे जाके हल्क की सोलो मूवी भी हम लोग को देखने को मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि अगर फैंस के इतने सपने पूरे हो सकते हैं, तो एक हल्क की मूवी तो बनती है जहाँ पे हल्क एक बड़े विलन का सामना करे। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे फैंस के लिए एक और सरप्राइज है, पता है क्या? यहाँ पे ये बात चल रही है कि इस मूवी में टॉबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन को भी लाया जाए, क्योंकि वो लोग काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं मल्टीवर्स की मूवी के हिसाब से। और अगर ऐसा हो दोस्तों तो बात बन जाएगी। और रही बात डायरेक्टर्स की कि यहाँ पे इस मूवी को कौन डायरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे रूसो ब्रदर्स से पूछा गया था कि आप एवेंजर्स एंड गेम के बाद और कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर जैसी स्टोरी मिलेगी तो जरूर वापस आएंगे। और वो इनडायरेक्ट में हिंट दे रहे हैं कि जो कहानी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वो ऐसे ही जाने वाली है। यानी दोस्तों अगर कुछ ऐसा हो गया तो ऑडियंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, और जितना हम लोग सोच सकते हैं चाहे फैन थ्योरी के रूप में चाहे मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के रूप में, वो सब सच होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये ऑल टुगेदर डिपेंड करेगा आने वाली मूवीज और टीवी शो पे कि वो कैसी जाती है। और अगर आप लोग 2021 में देखें तो जितना प्यार यहाँ पे मूवीज को मिला है उतना ही प्यार यहाँ पे टीवी शो को भी मिला है। यानी इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऑडियंस को टीवी शो काफी पसंद आ रहे हैं, खासकर लोकी की टीवी सीरीज, कि उसने तो एकदम ऑडियंस का दिमाग खोल के रख दिया कि यहाँ पे ये सब भी हो सकता है, टाइमलाइन अलग तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है, ये देखने में काफी मजा आया ऑडियंस को। तो ऑडियंस उस टीवी सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रही है और कुछ नई टीवी सीरीज का वेट कर रही है, जो कि हम लोग को 2022 में देखने को मिलेगी। अब ऑडियंस जितने भी सुपर हीरो को मिस कर रही है, जिनके बारे में सोच रही है, वो सब वापस आके रहेंगे और ऑडियंस को एक नया सरप्राइज मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एवेंजर 5 मूवी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिनर टॉपिक पे, अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।